जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर समाअत की। अपील में कहा लिखा है कि आपने किस तरह मुलव्विस किया, आपके पास रिकॉर्ड है तो बताएं। जस्टिस शहबाज रिजवी के रिमार्क्स, आपने वीडियो की जांच पड़ताल कराई। जस्टिस शहबाज रिजवी का इस्तफसार इस्तगासा का पहला काम था कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को नामजद कराता। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज से। जी शादाब, कहिएगा, यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई है, अदालती कार्रवाई क्या है? जी बिल्कुल, जिन हाउस हमले में मुकदमा केस में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दो रुकनी बेंच ने मुकदमे की रिकॉर्ड तलब कर लिया है और समाअत कल तक मुलतवी कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। हुकूमत की जानब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान और सैयद फरहाद अली शाह जो है वो पेश हुए हैं। अपील में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को चैलेंज किया गया है। अपील में कहा गया है कि अब किस के जिस पर फाजिल अदालत है कि किस केस में आप जो है वो यहाँ पर पेश होना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आप वीडियो की जांच पड़ताल कराई है, फाजिल अदालत ने करार दिया। इस तलाशा का पहला काम था कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को नामजद कराता। तफ्तीशी के पास कुछ नहीं है कि वो कुछ कर सकता। जी शुक्रिया शादाब रियाज, अपडेट कर रहे थे।